हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रांच एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यह पार्ट नंबर 57 रहेगा। पेपर वन में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जैसे सीजीएल के एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम का रुख जरूर कर लें, बाकी वहाँ पे एक वोट डाला था आपको, तो वोटिंग जाकर जरूर कर दीजिएगा कि क्या नोबेल प्राइज़ का एक सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ है तो उसको देखिए। अगर चाहिए होगा जरूर बताइएगा, और नहीं चाहिए होगा तो भी नहीं का ऑप्शन है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो 2 बजे मैं क्लास शुरू किया हूँ कल, उसका पूरा पैटर्न मैं चेंज कर दिया हूँ। क्लास नंबर 25 से 2 बजे के बाद यह वीडियो मिल जाता है। ओके, टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है तो आगे पीछे हो जाता है, आगे तो नहीं होता है पीछे ही होता है हमेशा, तो उसके बाद टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। तो वो जो 25 पार्ट से जो शुरू किया हूँ उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जेएसएससी के बैरियस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसको, ठीक है। और उसको कैसे कैसे पढ़ना है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बता चुका हूँ, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। एक इडियम है पुल अ लॉन्ग फेस, तो इसका क्या मतलब होता है, इस लड़की को देखिए और बताइए कि जो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर जस्ट आपको मिल जाएगा, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड। ओके, यानी कि अगर कोई इंसान सैड है तो उसको आप लोग बोल सकते हैं क्यों भाई फेस लॉन्ग क्यों कर लिए हो। ओके, यानी कि लॉन्ग फेस को पुल क्यों कर लिए हो, तो इस तरह से टू लुक सैड होता है। तो इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं, ये जो बच्ची है इसका अपना फेस जो है लॉन्ग कर लिया है, यानी कि सैड हो गई है। सैड के लिए कुछ सिनोनिम्स आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे डिजेक्टेड एक वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिजेक्टेड होता है सैड। एक डिसअपॉइंटेड भी होता है ना, डी से बाकी अपॉइंटेड समझिए, तो डिसअपॉइंटेड भी होता है। फ्लैटर मतलब कोई चापलूसी करना होता है ना, तालवे सालाना आप लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्लैटर, ठीक है। चाइड का मतलब डांटना होता है, रिव्यू करना या रिप्रीमेंड। ओके, इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है रिप्रीमेंड या फिर रिव्यू करना। ओके, डांटना फटकारना के लिए ये वर्ड यूज होता है। ओके, चाइड आंसर इसका हो गया टू लुक सैड, पुल अ लॉन्ग फेस। ओके, अपोजिट मीनिंग बताइए बैरियर का, एडवोकेट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या फिर ओपनिंग। बैरियर मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब बाधा, तो इसका मतलब होगा कि किसी को बाधा का अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, तो इसका क्या होगा ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि बैरियर लगा हुआ कहीं पे बाधा है, ठीक है, तो पार नहीं आप कर पा रहे, तो बैरियर हटा दिया गया यानी कि ओपन है अब, यानी कि रास्ता खुला है, तो ओपनिंग इसका सही मीनिंग हो जाएगा। देखिए जो बैरियर वर्ड है इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, इंपेडिमेंट मतलब बाधा, सबका मतलब बाधा ही होता है। एडवोकेट मतलब होता है ना, एडवोकेट मतलब कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या कोई चीज़ कमेंट कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है या फिर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको एडवोकेट करना बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वकालत करना एडवोकेट मतलब, तो ओपनिंग इसका सही अपोजिट मीनिंग चला जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है चेंज इन टू रिवर्स स्पीच। रिवर्स स्पीच देखिए या आपको चेंज करने के लिए बोला, रिवर्स मतलब क्या होता है उल्टा, तो उल्टा स्पीच में चेंज करना है। तो क्वेश्चन देखिए ऐसा भी कभी कभी पूछ सकता है, जैसे होता है ना कि अगर कोई डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में कर दिए, या फिर वाइस वर्सा कर दिए कि इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कर दिए, तो उसी का सेंस देता है या रिवर्स वर्ड। ओके, तो सेंटेंस किस में है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा दिख रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच है तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताया था कि टेंस चेंज होता है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे वेयर लगा हुआ है, यानी कि इसका तो आंसर यस नो में नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो इफ और वेदर तो इसमें नहीं आएगा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रख के ऑप्शन को इलिमिनेट करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। ये जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ सिर्फ जेसीसी के एग्जाम में नहीं, अलग अलग एग्जाम में भी काफी पैदा फ्रूटफुल होगा ना, ध्यान से पढ़िए। तो ई फॉर वेदर तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। ओके, उसके बाद सब जगह वेदर है, वेयर 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 या सब जगह वेयर है, तो इसको काटा भी नहीं सकते हैं। बट यह सेंटेंस कौन सा है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ कुछ चीज होता है, जैसे जो सेड टू होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम लोग उसको या तो आस्ट या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आस्ट या इंक्वायर्ड तो यहाँ पे दिख रहा होगा, सेड का सेड तो रहेगा नहीं, सेड टू तो सेड में होगा नहीं, टोल्ड में हो सकता है, तो ये ऑप्शन कट गया। बट यहाँ पे टोल्ड में हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सेड टू जो है इंक्वायर्ड या आस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन तो आपका कट चुका है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन आपके पास यही बचा कि द ऑफिसर इंक्वायर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेंट वेदर सॉरी वेयर ही हैड लॉस्ट द ट्रेल ऑफ हिज क्वेरी। अब एक बार जो ध्यान देने योग्य बात है, जो इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग बनाइएगा, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, तो उसको जो है से अफर्मेटिव में बना लेना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो है से वर्ब और उसके बाद जो है से ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके ना, तो इसीलिए सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन में हैड ही लॉस्ट करके भी दे देते, कन्फ्यूज कर जाइएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं बताया कि यह क्वेश्चन नहीं जस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा किसी को तो क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, तो फुल स्टॉप तो लगेगा ही, अफर्मेटिव सेंस में हम लोग बोलते हैं। समझ गया सारा चीज, सेड टू कन्वर्ट हो गया इंक्वायर्ड ऑफ में, यहाँ पे सेड टू मतलब इन्फॉर्म जो इन्फॉर्मेंट था उसे ऑफिसर क्या कर रहा था,
इंक्वायरी कर रहा था भाई, पूछताछ कर रहा था, तो वहाँ पे इंक्वायर्ड वर्ड ही सही जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ लगता है। तीसरा से ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और टेंस चेंज कैसे हो गया, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला होगा सिंपल पास्ट, तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वह कहाँ जाता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है जो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैड के बाद वी थ्री लग गया, तो बाकी तो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया। डबल फिलर है, इसको फिल किया जाए, दे कैन नोट डैश एज ए सेपरेट ग्रुप इन द असेंबली बिकॉज द लॉ डज नॉट डैश देम टू डू सो, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन चला जाएगा बिना, दे कैन नॉट ऑपरेट, यानी कि सेपरेट ग्रुप में ऑपरेट नहीं कर सकते, जैसे झारखंड विधानसभा में कासे सीट है तो बोले कि 15 मेंबर के अब हम लोग अलग काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो दे कैन नॉट ऑपरेट, 15 मेंबर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं इन द असेंबली बिकॉज लॉ, जो लॉ बोलता है कि आप लोग को सबको साथ मिलकर काम करना है, ठीक है, अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि द लॉ डज नॉट परमिट देम टू डू सो, ऐसा करने के लिए लॉ जो है परमिट नहीं करेगा, तो सही मीनिंग आपको दे रहा है। फोरबिट देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि फोरबिट का मतलब ही होता है मना करना, तो यहाँ ऑलरेडी नोट लगा हुआ है, फिर से फोरबिट कर दीजिएगा तो उस तरह से कहानी हो जाएगा, खाना खा ही रहे हैं फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है, तो फिर फालतू की बात हो जाएगा, ठीक है, खा के आ रहा है कि पेट नहीं भर रहा है हवा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर पता करना है, द सीएम और हिज एसोसिएट मेंबर्स विजिट द प्लेस एवरी डे, किस पार्ट में एरर है, द सीएम और हिज एसोसिएट विजिट द प्लेस या फिर मेंबर्स, आंसर इसका सी हो जाएगा, विजिट द प्लेस वाला पार्ट में एरर है, क्यों, क्योंकि द सी एम, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और है कंजक्शन और उसके बाद हिज एसोसिएट मेंबर्स, ओके, तो यहाँ पे द सी एम और हिज एसोसिएट मेंबर्स जब कंजक्शन से ऐड है तो यहाँ पे जो वर्ब आता है ना, ध्यान दीजिएगा, वह फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यह है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो जो वर्ब आता है वह फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो सी एम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बोलता है कि हमारे साथ भाई तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो विजिट जो है से वी1 फॉर्म में है और वी1 फॉर्म में जो वर्ब होता है, बताया था कि प्लुरल होता है, तो उसके बाद यह विजिट क्या क्या हो जाएगा, या वी5 फॉर्म क्या हो जाएगा, तो विजिट का वी5 फॉर्म आ जाएगा विजिट्स, तो यहाँ पे विजिट्स अगर डाला जाएगा तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, ओके, ध्यान रखिएगा, बाकी वो अलग कहानी है, यहाँ पे और जो है से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, अगर वहाँ पे नेदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो डाला जाता है तो अलग बात है कि वह दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है से भर आता है, बट और हो या ठीक है या नॉर हो सिर्फ, या फिर बताएं तो बताया था आपको कि विथ हो, एलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, हेल्प बाई हो, अकॉम्पनीड बाई हो, सारा के साथ जो है से भर्ब जो है से फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। एनी डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए। चैलेंज का सिर्फ नहीं बताइए, एक्सेप्टेंस, अपोज, आंसर या फिर पीस, चैलेंज करना किसी को अपोज करना होता है ना, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्टेंस, यानी कि किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं यानी कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा, आंसर इसका अपोज हो जाएगा। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट चेंज्ड यू डैश रेयरली फ्रीक्वेंटली रेगुलरली कंप्लीटली, सही आंसर डी, कंप्लीटली हुआ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था उसका, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का जो एक्सपीरियंस था, चेंज्ड यू डैश, रेयरली मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया, फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, तो मतलब बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंटली और रेगुलर मतलब हमेशा बदल रहा है, नहीं कंप्लीटली बदल रहा है, कंप्लीटली बदल दिया, यहाँ पे V2 है, ओके, V2 सेंस में जाएगा, तो जो माउंट एवरेस्ट का चढ़ने का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था वो तुमको कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है, तो कंप्लीटली वर्ड ही सही जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है। दोज एनिमल्स हु लिव्स ऑन ट्री, ऐसा एनिमल जो कि ट्री पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, मैमल, अर्बोरियल या फिर वर्टेब्रेट, सही आंसर इसका अर्बोरियल हो जाएगा ना, एयर है ना तो वहीं से एयरबोरियल समझ लीजिएगा, अर्बोरियल उसको बोला जाता है, जो लोग ट्री पर रहते हैं उसको अर्बोरियल बोला जाता है, ठीक है, जो लोग जमीन पर ना रहें ट्री पर जो निवास करते हैं उनको अर्बोरियल एनिमल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों पर रहता है। मैमल क्या करती है, मैमल जो होता है आपको पता होगा जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं दूध पिलाते हैं वो सारे जीव को मैमल कहते हैं, जैसे बहुत लोग कन्फ्यूजन ये रहता है ना कि जो व्हेल है वह जैसे फिश है, ठीक है, व्हेल फिश नहीं है भाई, व्हेल जो है सबको एक मैमल देखने को मिलता है, तो अब तो डाउट इसमें नहीं हो रहना चाहिए, ठीक है, अब तो बहुत लोग जानते होंगे कि नहीं है, बट बहुत लोग जानते भी नहीं अभी तक, ठीक है, कि व्हेल जो है एक मछली नहीं है, जैसे कि अगर बात करें स्टार फिश, नाम तो देखने को मिलता है कि फिश, लेकिन यह फिश है ही नहीं, ठीक है, फिश है ही नहीं है, ये क्या है, वो एक इनवर्टेब्रेट है, इनवर्टेब्रेट क्यों है, क्योंकि इसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है। अब नाम है सी हॉर्स, बताइए इस तरह की कहानी है, सी हॉर्स है लेकिन यह हॉर्स है ही नहीं है, एक फिश है, ठीक है, तो फिश में वर्टेब्रेट पाया जाता है, तो जिस जीव में बैकबोन पाया जाता है उसको वर्टेब्रेट होता है, सॉरी, जिस
जिस जीव में बैकबोन पाया जाता है उसको वर्टेब्रेट कहा जाता है। जैसे फिश में वर्टेब्रेट पाया जाता है, हम लोग भी वर्टेब्रेट पाया जाता है, जबकि स्टार फिश में वर्टेब्रेट नहीं पाया जाता है तो इनवर्टेब्रेट हो गया, इसलिए इसको फिश कंसिडर नहीं किया जाता है। नाम तो है बट नहीं है, सी होर्स नाम तो है बट यह एक्चुअली में फिश है, इस तरह से चीज देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। दिस डेज यू कैन सेंड ईमेल डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको करेक्ट वर्ड से भरना है ताकि इसका मीनिंग निकल जाए। इंस्टेंटली वर्ड हो जाएगा ना, इंस्टेंटली मतलब होता है तुरंत, यानी कि दिस डे आजकल के दिन में आप क्या कर सकते हैं, ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह पर इंस्टेंटली यानी कि तुरंत भेज सकते हैं। आंसर इसका सही होगा, इंस्टेंटली वर्ड ही जाएगा। चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्राउंड क्लियर, ग्राउंड क्लियर बताना है। पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात किया जा रहा है कि पीपल को, जैसे इन एडवांस मतलब होता है ना पूर्व में ही, तो उनको वार्निंग किया जा रहा है। किस पार्ट में एरर है, अगर मेरा लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे तो आंसर बन जाना चाहिए, और नहीं बन रहा है इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया हूँ, यह क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, जैसे CHSL की एग्जाम पता है ना उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, शायद 2020 में ही आया था ये क्वेश्चन, पीपल इकोनॉमिक क्राइसिस इन एडवांस या फिर हैज बिन वार्निंग। आंसर इसका डी हो गया, अभी भी नहीं पता चला, अभी बहुत गड़बड़ भैया है। बताया था आपको जो पीपल है, पीपल किस तरह का नाउन है, पीपल जो है से प्लुरल नाउन है, तो प्लुरल नाउन के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या कर रहा है, बनाइए इसको प्लुरल, तो हैव लगेगा, तब जाकर जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो पीपल हैव बीन वार्निंग एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लुरल बनता है क्राइसिस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, क्राइसिस और क्राइसिस में अंतर है। ठीक है, प्लुरल इसका क्राइसिस हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताइए, ओपेक, ब्यूटीफुल, शाइनिंग या फिर क्लीन। सही आंसर इसका ए हो जाएगा ना, ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसको ओपेक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। बाकी एक ट्रांसलूसेंट भी होता है जिससे थोड़ा बहुत देखा जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, LUCENT। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इस तरह के क्वेश्चन तो बड़ा आजकल जबरदस्त पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। इंस्पेक्टर, गवर्नर, वेटर या फिर कंडक्टर, कहाँ पे एरर है पता चल रहा है, आंसर इसका सी होगा, वेटर वाला पार्ट में एरर है। गवर्नर को देख लीजिएगा, बहुत लोग इसका भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, दोनों जगह ओ होता है, ठीक है, शुरू वाला भी गवर्नर और लास्ट में भी, और बीच में ए होता है, वीआर, ठीक है, गवर्नर। वेटर गलत है स्पेलिंग इसका, सही स्पेलिंग WAIT हो जाएगा, ER लगा दीजिए, वेटर हो जाएगा। कंडक्टर में भी OR, इंस्पेक्टर में भी OR, ओके। डिफिडेंस का सिनोनिम बताइए, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, मीकनेस या फिर बोल्डनेस। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ओके। डिफिडेंस मतलब क्या होता है, डिफिडेंस मतलब होता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी कि कोई दब्बूपन होता है ना, एकदम डरपोक टाइप का आंसर, उसको बोलते हैं डिफिडेंस। तो मीकनेस ही हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। ये तो SSC में कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस का एंटोनिम क्या होगा, तो डिफिडेंस होगा, ठीक है, इसको बहुत बार पूछा गया है। मीकनेस इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सिनोनिम मीकनेस होगा दबूपन। बाकी जितना भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस, करेज, बोल्डनेस, सब इसके एक दूसरे का सिनोनिम है ना, इसको देख लीजिएगा। एंटोनिम इसका याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, ठीक है, ही वंडर फॉर अ मोमेंट, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रहा होगा, द डायरेक्शन में, ही वंडर फॉर अ मोमेंट या फिर इफ ही हैड मिस्टेकन। ही वंडर वाला पार्ट में एरर है, आपको दिख रहा है इधर, इफ ही हैड मिस्टेकन, ठीक है, यानी कि अगर वह जो है इफ ही हैड मिस्टेकन डायरेक्शन, ठीक है, तो वह वंडर हुआ होता, ठीक है, यानी कि यह सेंटेंस है कि अगर वह डायरेक्शन मिस किया होता तो वह आश्चर्यचकित हो गया होता, ठीक है, तीसरे से सेंटेंस है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, पास्ट के बारे में बात किया जाता है, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बाद में हुआ था कि अगर वो भूला होता तब ना जो है से वंडर हुआ होता, यानी कि आश्चर्य हुआ होता, यानी कि भूला ही नहीं होगा, अगर भूला हुआ होता तब, तो ही ऑंडर नहीं ऑंडर यूज होना चाहिए यहाँ पे, इसको V2 बनाइए, ऑंडर ED लगा दीजिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। प्लुरल बताइए और सिंगुलर, दोनों एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होता है, तो वर्ड कौन सा है, न्यूज, डियर, फर्नीचर या फिर बैक्टीरिया। सही आंसर इसका डियर होगा, डियर का डियर्स नहीं बनता है इस तरह से प्लुरल ना, डियर जो होता है सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। फर्नीचर और न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, एस और यस कर लगाकर प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। बैक्टीरिया यहाँ पे जो है ये वर्ड प्लुरल है ना, सिंगुलर इसका बैक्टीरियम होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, डेस्परेट है, डिपेंडेंस है, डिसिप्लिन है या फिर डिलीशियस। सही आंसर ए होगा, डिस्परेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, होगा या
डेस्पेरेट, PE होता है ना, RAT, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अब अलग अलग एग्जाम में पूछ जा रहे हैं, आप लोग देखिए उठा के किसी भी एग्जाम का, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ जा रहा है कि कौन ऐसे करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। बाकी सबका देख लीजिएगा, वर्तनी हिंदी में बोले तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, डिसिप्लिन सबका देख लीजिएगा, डिलीशियस का। ब्लंट का एंटोनिम बताना है, तो ब्लंट मतलब होता है भोतना, जो मन बुद्धि का हो उसके लिए ब्लंट बोलते हैं, तो इसका मतलब होगा सार, ठीक है। इसका सिनोनिम डल हो सकता है ना। अब आपको पैसिव बताना है कि क्या होना चाहिए। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, गवर्नमेंट जो ऐसे जो स्टेट्स को हेल्प कर रही है जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इज हेल्पिंग है यानी किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो हमें बताया था कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका ट्रांसलेशन होगा इज एमआर रहेगा, ठीक है, बताया था आपको। और कंटिन्यूअस में बीइंग भी लगता है, भी याद होना चाहिए आपको, कंटिन्यूअस में बीइंग भी वर्ड यूज होता है, BING। तो कोई अगर टेंस अगर चेंज कर दिया होगा तो मैं उसको काट दूंगा, क्योंकि विल कर दिया है और हैव कर दिया है, दो ऑप्शन तो मैं कट गया। आर बीइंग को यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ और इज बीइंग को ही फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इज गोइंग को छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैं काट दूंगा। क्यों? क्योंकि जो अगर पैसिव में बोला है तो उसमें बीइंग यूज होना चाहिए, तो बीइंग इसमें है ही नहीं, इसके बाद गोइंग लिख दिया है, इसलिए जो है से यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आंसर इसका यही हो गया। अब इसको बताते हैं क्यों होगा। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, इसको उठा लीजिए। ओके, तो द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन इसको उठा लिया जाए, आर बींग हो जाएगा क्योंकि स्टेट्स के कोडिंग जो है यहाँ पे भर पाएगा ना, जब भी कोई सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड से होता है तो देख लीजिएगा कि उसका मूल वर्ड क्या है, यानी कि मुख्य रूप से किसके बारे में बात किया जा रहा है। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, हम लोग साइक्लोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वे सारे स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड हैं। तो यह स्टेट्स यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए इसके कोडिंग आया प्लूरल भर, यानी कि आर, उसके बाद बीइंग के बाद भीतरी आपको यूज कर देना है, उसके बाद बाय द गवर्नमेंट तो लग जाएगा, इतना सारा पता होगा आपको। इस तरह से आपको बना लेना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने से सीखिए। वन वर्ड बताना है आपको, अ पर्सन हु प्रेजेंट एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और अ न्यूज प्रोग्राम। तो न्यूज प्रोग्राम में देखते होंगे जो अपने आप को प्रस्तुत करता है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, एक्टर, प्रोग्रामर, एंकर या फिर डिस्क जॉकी। आंसर इसका सी हो जाएगा ना, एंकर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सुधीर चौधरी होगा या फिर अंजना कश्यप या फिर श्वेता सिंह, ये सारे कुछ पॉपुलर एंकर हैं, न्यूज एंकर, आपको पता होना चाहिए। एक्टर तो पता होगा, ठीक है, सुनील शेट्टी हो गए आपके, अक्षय कुमार, ऐसे होते हैं। प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर में, लेडी एडा लवलेस बोल सकते हैं। डिस्क जॉकी एक ऐसा पर्सन होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई कैसेट अपन देखे हैं ना, या कोई भी होता है, तो उसमें ऑलरेडी जैसे कोई म्यूजिक वगैरह इंस्टॉल, मतलब बोल सकते हैं रिकॉर्ड है, तो उसको जो प्रस्तुत करता है, लगा के बजाता है, उसको डिस्क जॉकी बोला जाता है। एक बार बहुत वायरल हो रहा था कि एक लड़की थी पूरा डांस कर रही थी, आपको याद है, तो वो वाला है उसको डिस्क जॉकी आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग रील्स में देखे होंगे, उसको जरूर देखे होंगे, क्योंकि मैं भी जब खाना खाने बैठता हूँ, टाइम तो मिलता नहीं है, बताया था आपको कि टाइम मिलता नहीं है, जब खाना खाने बैठता हूँ तो रील्स में घुमाते रहता हूँ या फिर शॉर्ट्स चलाते रहता हूँ, तो वो सब कुछ कुछ दिख जाता है। तो वो लड़की मुझे दिखी थी, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं डिस्क जॉकी बोला जाता है। एक आप लोग सुने होंगे RJ और एक सुने होंगे DJ। RJ होता है रेडियो जॉकी, जो रेडियो पर प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है उसको रेडियो जॉकी के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे RJ रौनक हो गया, ठीक है, 98.3 FM। और DJ होता है डिजिटल जॉकी ना, आप लोग DJ संतोष, बीच बीच बोलते रहता है ना, DJ संतोष, तो ऐसे ऐसे सुने हैं, कोई संतोष है क्या, तो वही जो बोला जाता है वो DJ मतलब डिजिटल जॉकी, RJ मतलब रेडियो जॉकी। समझ में आ चुका होगा, अंकर इसका आंसर हो गया, एंकर। क्वेश्चन 20 देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स, ये बहुत पहले मैं इस idiom को पढ़ा था, ओके, बहुत पहले, और ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको ना थोड़ा सा मीनिंग चेंज करके आपको दे दिया है, इसलिए बोलता हूँ कि आपको चीज़ पता भी रहेगा तो रीडिंग स्किल सही नहीं रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ के रखा था। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, इसका आंसर हो जाएगा सी, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। अगर लग रहा है कि सिर्फ आप लोग अगर इतना पढ़ के चले जाइएगा कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए चीज़ वही है बट जो है इसको चेंज कर दिया है मैंने, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड, जो उसको मीनिंग जो दे रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, जो डायरेक्टली नहीं बोल रहा उसको, यानी कि हिडन मीनिंग को ही समझना के सेंस में यह यूज लिखा हुआ है। तो थोड़ा ना सेंटेंस को ना बदल के भी दिया जा सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि रीड जरूर कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, अगुटन, अगुटन का मतलब होता है ना किसी को हेल्प प्रोवाइड कराना, ठीक है, तो अ हेल्पफुल एक्ट, ठीक है, तो इट इज द टाइम टू हेल्प समवन और समबडी, तो उसको बोलते हैं अ गुड टर्न, हेल्प करना किसी को। आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
ये मैं खुद से बना दिया हूँ आज, लास्ट में पता चला क्या बना तो खुद से बना दिया। अब पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है, जेसीसी के अलग अलग एग्जाम में जो है जो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं कि अंडरलाइन पार्ट है तो उसको बताइए कि पार्ट ऑफ स्पीच इसका कौन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है बताइए। प्रोनाउन, नाउन, वर्ब या फिर कंजक्शन। सेंटेंस है, गरिमा इज द गर्ल हु लेफ्ट मी इन लर्च। आंसर क्या होगा, हु, आंसर इसका डी हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा या कंजक्शन एक ना, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है गरिमा इज द गर्ल और लेफ्ट मी इन लर्च को। हु जो है से किस तरह कंजक्शन है, सबोर्डिनेट कंजक्शन है या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बताइए जरा। एक क्लास में शायद आपको से डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबोर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। हु लेफ्ट मी इन लर्च में जो कंजक्शन देखने को मिल रहा है हु, ऐसे तरह से मिल गया है, बट ये किस तरह कंजक्शन है थोड़ा सा जाकर सर्च कीजिए और बताइए, क्योंकि पता होना चाहिए, जेसीसी के वेरियस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। एक idiom यहाँ पे यूज किया हुआ है जिसका नाम है लिव समवन इन लर्च ना, तो लिव समवन इन लर्च का मतलब होता है लिव इन डेस्ट्री, यानी कि मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना। आप लोग भालू वाला कहानी सुने थे कि दो मित्र जा रहे थे तो एक मित्र जो है से पेड़ पर चढ़ गया था, दूसरा चढ़ नहीं पाया तो उसको छोड़ दिया और ऐसे वहीं पे लेट गया, ठीक है। तो कहानी पढ़े थे ना, तो वही बोला जाता है लिव समवन इन लर्च, यानी कि लिव इन डिस्ट्रेस, यानी कि मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना। इसके लिए एक idiom भी यूज होता है, लिव समवन इन लर्च। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। कैसा लगता है इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी अब तो बहुत सारा हो चुका है, पार्ट नंबर 57 तक आ चुके हैं, तो इन्जॉय कीजिए, प्रैक्टिस ऐसे कराते रहूँगा ताकि आप लोग को छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। छोड़ दीजिएगा यानी कि समझ लीजिए कि वहाँ से जो है आपका जो है हाथ शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिटोरमेंट शुरू हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दें भाई, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक और शेयर कर दें जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में बढ़ते रहना चाहिए। ओके देन, ओके, तो वंदे भारतम, जय हिंद।